हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। द अनहर्ड स्टोरी के थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एलिमेंट की डिस्कवरी की जिसको आपने अपने वॉच में चमकते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है वो चीज आपके लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। मेरा नाम है केयूर और आप देख रहे हैं फन एंड फिजिक्स। सबसे पहले शुरुआत होती है ईयर 1895 में, जब यूनिवर्सिटी ऑफ वुर्ट्सबर्ग में जर्मन इंजीनियर विलियम रोंगटन क्रूक्स ट्यूब पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्रूक्स ट्यूब एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होती है जिसमें से हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब से कुछ इनविजिबल रेज पास हो रही थी। ये रेज एयर से ट्रैवल करके कुछ मटेरियल्स के साथ रिएक्ट कर रही थी। क्या आपको पता है वो रेज कौन सी थी, तो इस वीडियो को पॉज करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वो रेज का नाम पड़ता है एक्सरे, जिसको हम बोन फ्रैक्चर्स पता करने के लिए यूज करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के एक साल बाद फ्रेंच फिजिसिस्ट हेनरी बेकरेल ने एक और इनविजिबल रेज को आइडेंटिफाई किया। वो एक यूरेनियम के पीस को पेपर में रैप करके फोटोग्राफिक प्लेट पे रख के भूल जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद जब वो वापस लौटते हैं तो वो यूरेनियम के नीचे डार्क स्पॉट को देख के चौंक जाते हैं। इस पे फर्दर रिसर्च करने के बाद वो एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, रेडियो एक्टिविटी। उन्होंने कहा एक अनस्टेबल एटम एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में लूज करता है और इसमें से अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। जब मैरी क्यूरी को हेनरी के इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है तो वो काफी एक्साइटेड हो जाती है। उन्हें एक ऐसा सब्जेक्ट मिला था जिसपे वो काफी लंबा रिसर्च कर सकती थी। 1898 में 29 साल की मैरी क्यूरी यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। रेडियो एक्टिविटी पे और रिसर्च करने के लिए उन्हें अपने हस्बैंड पेर क्यूरी की हेल्प मिलती है। यूरेनियम से निकलती रेस के बारे में पता करने के लिए वो एक क्यूरी इलेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने रेडिएशंस एमिट होते हैं वो मेजर कर सकता है। इस इलेक्ट्रोमीटर को पैर और उनके भाई जैक क्यूरी ने 15 साल पहले बनाया था। मैरी काफी सारे यूरेनियम के कंपाउंड्स को इस इलेक्ट्रोमीटर के साथ टेस्ट करती है। इस टेस्ट के रिजल्ट से पता चलता है कि जितने ज्यादा यूरेनियम के एटम्स होंगे उतने ज्यादा रेडिएशंस यहां से एमिट होते हैं। अब उनके मन में एक और सवाल उठता है, क्या यूरेनियम के अलावा इस दुनिया में कोई और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मैरी फिर कई और एलिमेंट को टेस्ट करती है और उन्हें बाद में एक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलता है जिसका नाम है थोरियम। मैरी क्यूरी जब कई सारे एलिमेंट्स के साथ टेस्ट कर रही थी तो उन्हें पता चलता है कि पिच ब्लेंड यूरेनियम और थोरियम से कई ज्यादा रेडियो एक्टिव है। पिच ब्लेंड एक्चुअल में यूरेनियम का ही एक ऑक्साइड फॉर्म होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला है U3O8। मैरी कन्विंस हो चुकी थी कि उन्हें पिच ब्लेंड में से एक नया एलिमेंट मिल सकता है। उन्होंने स्टैंडर्ड केमिकल डिकम्पोजिशन मेथड का यूज करके दो नए एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जिसका नाम था रेडियम एंड पोलोनियम। इस एक्सपेरिमेंट में 10 टन पिच ब्लेंड से सिर्फ 1 मिलीग्राम रेडियम मिला था। अपनी इस डिस्कवरी के लिए 1905 में मैरी एंड पेर क्यूरी को हाफ ऑफ द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला। मैरी एंड पेर कई बार अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान रेडिएशन से एक्सपोज हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं था कि ये रेडिएशन उनके बॉडी के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब दोनों की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी बॉडी में रेडियम बर्न्स हो जाते हैं। 1906 में पेर क्यूरी की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, लेकिन मैरी क्यूरी अपना रिसर्च जारी रखती है। 1910 में मैरी अपने स्टूडेंट आंद्रे के साथ मिलके रेडियम कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस करती है और उन्हें रेडियम एलिमेंट के फॉर्म में मिल जाता है। इस डिस्कवरी के लिए मैरी को 1911 में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिलता है। जब रेडियम को डार्क सराउंडिंग में रखते हैं तो वो एयर में डीकम्पोज होके फेंट ब्लू लाइट एमिट करता है एंड सिल्वरी व्हाइट से ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है।
रेडियम हैवीएस्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल है और ये मेटल्स पीरियडिक टेबल में ग्रुप 2 में प्रेजेंट होते हैं। रेडियम ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन जैसे नॉन मेटल्स के साथ इजीली कंबाइन हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि मैरी क्यूरी की लैब बुक में से अभी तक रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं। रेडियम यूरेनियम के कंपैरिजन में 1 मिलियन टाइम्स ज्यादा रेडियो एक्टिव है। रेडियम को पहले लुमिनस पेंट की तरह यूज किया जाता था और उसे वॉचेस, न्यूक्लियर पैनल्स और एयरक्राफ्ट के स्विचेस पे यूज करते थे। अर्ली 19th सेंचुरी में टूथपेस्ट, हेयर क्रीम और फूड आइटम्स में रेडियम को पहले मिक्स किया जाता था। मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी में रेडियम को कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। आई होप आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करिए। अंटिल देन, गुड बाय एंड हैव फन।